हाय ऑल यू लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक गुड वाइब्स प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी एंड आपको तो पता ही है आई सीरियसली लव दिस ब्रांड। मैंने अब तक गुड वाइब्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज डाले हैं एज वेल एज मैंने गुड वाइब्स का एक कंप्लीट स्किन केयर वीडियो भी डाला हुआ है। सो इन केस अगर आप वो सारे ही गुड वाइब्स के वीडियोज चेक करना चाहते हैं, लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोज ऑफ गुड वाइब्स प्रोडक्ट्स। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन पे हिट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप उससे नोटिफाई हो सके एंड तुरंत से देखें। आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात करूंगी वो है ये वाला। ये है गुड वाइब्स का आर्गन फेशियल ऑयल विथ गोल्ड लीव्स। सो इसमें गोल्डन लीव्स पड़े हुए हैं, साथ ही साथ ये एक आर्गन ऑयल है, फेशियल ऑयल है आई मीन। मैं इसको तकरीबन 2-2.5 हफ्तों से यूज कर रही हूं। सो नाउ आई फील आई एम कंप्लीटली रेडी इसके सारे ही प्रोज एंड कॉन्स आपको बताने में और बेसिकली सब कुछ कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे आपकी स्किन पे वर्क करेगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली प्राइस एंड पैकेजिंग की अगर बात करें, सो पैकेजिंग आप देख सकते हैं एक नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग है। वेल, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है बिकॉज अंदर की पैकेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। प्राइस है इसका 295 रुपीज एंड क्योंकि गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स पे हमेशा ही सेल्स वगैरह चलते रहते हैं, मुझको ये कुछ 230-220 के अराउंड मिला था। सो यू कैन इमेजिन कि कितना अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है इन सारे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पे। एंड ऑल्सो मेरे को इसके साथ एक फ्री बी भी मिला था जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर किया था। आपको भी बताऊंगी कि मुझको क्या फ्री में मिला था इसके साथ प्रोडक्ट। वेल, अब अगर बात करें कि क्या एक्सपायरी डेट है इसकी, सो ये जून 2019 का मैन्युफैक्चर्ड है और इसकी एक्सपायरी है 2021 में। तो ये तकरीबन 2 साल तक चल जाएगा आराम से। अब अगर इसकी बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें आर्गन ऑयल है, इसमें गोल्ड लीफ है जो एक्चुअल वाला सोने का जो वर्क होता है, जैसे चांदी का वर्क आता है वैसे ही सोने का वर्क आता है, तो वो इसमें डला हुआ है एक्चुअल में, विच इज अ रियली गुड थिंग दैट दे आर नॉट एट ऑल चीटिंग विद अस। और इसमें गोल्ड लीफ आर्गन ऑयल के साथ विटामिन डी है, विटामिन ए और विटामिन डी है। नाउ आपको तो पता ही है कि विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट से मिलता है एंड हम वुमेन में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी होती है। मोस्टली आजकल सभी में कमी होती है क्योंकि हम लोग जो है एसी के रूम में बैठना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन गोइंग आउट इन द सन एंड प्लेइंग अराउंड। सो इसमें विटामिन डी पड़ा है विच इज अ रियली गुड थिंग। सो अब मैं आपको प्रोडक्ट खोल के दिखाऊंगी एंड इसके साथ मुझको क्या फ्री में मिला था ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो प्रोडक्ट दिखने में कुछ इस टाइप का है। ये ऑब्वियसली एक ड्रॉपर के साथ आता है, ड्रॉपर के साथ ही साथ आपको एक कैप भी मिल जाती है। तो इनकेस अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप ड्रॉपर हटा के कैप लगा लें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगर हम इसको शेक करेंगे तो यहां पे आप गोल्ड लीफ सारे देख सकते हैं। आई होप यू कैन सी दिस। मैं आपको जूम करके साइड में भी दिखा दूंगी इसका। नाउ कमिंग ऑन टू दी फ्री बी, तो मुझको इसके साथ आर्गन ऑयल विथ सिल्वर लीव्स जो था वो फ्री मिला था क्योंकि मैंने टोटल ऑर्डर तकरीबन कुछ 600-700 का प्लेस किया था, आई थिंक 800 का था, तो उसके साथ मुझको ये फ्री मिला था। सो मेरे पास अब ये दोनों ही वेरियंट्स हैं। ये वाला जो वेरियंट है ये 10 ml में है और जो फ्री में मुझको मिला है वो सिर्फ 4 ml का है। सो इनकेस अगर आप इस वाले का भी रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। इसमें चांदी पड़ी हुई है और इसमें गोल्ड है। वेल, अब आते हैं इस पे, तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। जैसा कि मैंने बोला इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है आर्गन ऑयल जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सेल रिपेयर करता है एंड इनकेस अगर आपके जो है डार्क स्पॉट्स हैं या ब्लेमिशेस हैं आपकी स्किन पे तो आर्गन ऑयल जो होता है वो उनको हटाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। वहीं गोल्ड लीफ का जो काम है वो आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लो देता है। लाइक मैं इसको 2 हफ्ते से यूज कर रही हूं एंड जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज किया था सो यू वोंट बिलीव कि जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी थी तो मेरे चेहरे पे एक बहुत ही सुंदर सा एक ग्लो आया हुआ था विच वॉज काइंड ऑफ डिवाइन। मैं खुद देख के शॉक रह गई थी। नाउ कमिंग ऑन टू द फैक्ट कि ये जो है ये एंटी एजिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एंड इफ यू आर अबव 25 तो आप इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देखें क्योंकि 25 के बाद हमारी स्किन थोड़ी डल पड़ने लगती है, रिंकल्स, झुरियां, फ्रेकल्स वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है। सो इसलिए ये फाइट करेगा उन सभी से ही, ऐसा मैंने फील किया है। इवन बर्न मार्क्स पे भी बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है क्योंकि मेरे को जो है डार्क स्पॉट्स बहुत होते हैं एंड पिंपल्स भी बहुत होते हैं बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है एंड ऑयली स्किन है। सो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑयल नहीं यूज कर सकती। अगर मैं सिर्फ 2 ड्रॉप्स यूज करूं तो मैं डेफिनेटली इसको यूज करती हूं इन माय होल रूटीन, स्किन केयर रूटीन। आई बिलीव कि ये सारे ही स्किन टाइप्स वाले इसको यूज कर सकते हैं। मेरी ऑयली स्किन है सो मैं भी इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर रही हूं एंड आई हैव बीन लविंग इट। अब आते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। इस पे ऐसा लिखा है दैट टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉटन बॉल
यानी कि आपको रुई में थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं और तब इसको अपनी स्किन पे ऐसे करके लगाना है, विच इज टोटली रॉन्ग. आई मीन इस पे जो लिखा है वो नहीं है सही तरीका. जो इसका सही तरीका है वो सिर्फ ये है कि आपको ड्रॉपर हल्के से ऐसे लेना है, ड्रॉपर में एक दो ड्रॉप्स यहाँ रखने हैं. आई होप यू कैन सी कि यहाँ ड्रॉप्स हैं. एक ड्रॉप यहाँ लगाइए, एक ड्रॉप यहाँ, हल्का सा यहाँ, हल्का सा यहाँ, एंड देन यू जस्ट हैव टू ब्लेंड इट आउट. बस ये इसका तरीका है इसको लगाने का. और पूरे ही फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो. एंड इस पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये वर्क करता है एज अ नाइट टाइम मॉइस्चराइजर, बट मैं सिर्फ इसको रात में ही नहीं लगाती हूँ, मैं दिन में भी इसको यूज़ कर लेती हूँ. स्पेशली नहाने के बाद मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद जो होते हैं वो आपके पोर्स खुले होते हैं और ये बहुत ही अच्छे से सीप इन करता है, पेनिट्रेट करता है. सो इसलिए मैं इसको दो बार यूज कर लेती हूँ. एंड ऐसे ही इसको लगाने के बाद आप ये जरूर सोचेंगे कि क्या आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी, चिपचिपी लगेगी. सो ऐसा कुछ भी नहीं है. सिंस मेरी बहुत ही ज्यादा ऑयली स्वेटी स्किन है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसको लगाने के बाद चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा. आप कौन सा बहुत ज्यादा लगा रहे हो, आपको सिर्फ दो ड्रॉप्स लगाने हैं. सो दो ड्रॉप्स जो होते हैं वो इजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब कर जाएंगे. एंड दूसरी चीज ये कि जब आप इसको अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करेंगे, सो आपको इसको एज अ फोर्थ स्टेप या थर्ड स्टेप पे शामिल करना है. सो पहला स्टेप फेस वॉश का होगा, दूसरा स्टेप आपका टोनिंग का होगा, और तीसरा स्टेप आप एज मॉइस्चराइजर की जगह आप इसको यूज करेंगे तो भी आपका काफी अच्छा रिजल्ट आएगा. एज अ नाइट सीरम भी आप इसको लगा सकते हैं, अंडर आई क्रीम की जैसे लगा सकते हैं. सो बस यही सारे पॉइंट्स हैं इसके बारे में. मैं एक बार फिर से सम अप कर देती हूं कि मैंने इसके बारे में क्या क्या फील किया है. सो नंबर वन, ये स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है स्किन पे, ग्रीसी स्टिकी ऑयली नहीं लगता है और बहुत ही नॉन स्टिकी है, तुरंत ही स्किन में एब्जॉर्ब कर जाता है. ये ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन वाले सब यूज कर सकते हैं. एंड ये डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स और ब्लेमिशेस पे, डार्क सर्कल्स पे बहुत ही अच्छे से वर्क करता है. बहुत ज्यादा हैवी नहीं है स्किन पे, इवन ये ड्राई पैचेस को भी बहुत ही अच्छे से कॉम्बैट करता है. सो ये टोटल इसके कुछ 8 बेनिफिट्स हैं, प्रोज हैं, एंड आई डोंट थिंक कि मैंने अब तक इसका कोई कॉन नोटिस किया है या कुछ डिसएडवांटेज हो रहा हो मेरी स्किन पे. सो मैंने अब तक ये 8 बेनिफिट्स इसके फील किए हैं, एंड आई डू होप कि आप भी अगर इसको यूज करेंगे सो आपके भी कुछ इसके बेनिफिट्स निकल ही आएंगे इसको यूज करके. एंड आई रियली होप कि आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा. एंड जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल बटन पे हिट जरूर से करिएगा. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो. बाय गाइज.